हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.6 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस करेंगे, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है कि अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, यू कोई फर्स्ट एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, ये दो अलग अलग फंक्शन है। आपने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड माना, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, यू को आपने छोड़ दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी वी डी एक्स, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। अब आप देखो कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो है किसको माना जाए, तो वैसे नॉर्मली किसी को भी आप फर्स्ट और सेकेंड मान सकते हो, लेकिन ये हमारा एक ट्रिकी अप्रोच है। आइलेट के हिसाब से आप देखोगे कि आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए आपका अलजेब्रिक फंक्शन, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, दो फंक्शन, तो जिसमें आप देखो ऑर्डर में, अगर इनवर्स है तो इनवर्स और लॉगरिथमिक है, तो इनवर्स को फर्स्ट मानो, लॉगरिथमिक को सेकंड मानो। अगर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानो, अलजेब्रिक को सेकंड, यानी इस ऑर्डर में आप देख लो, ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। और आप जनरली बिना इसके भी बना सकते हो, इससे क्या है कि आसान हो जाता है। चलो चेक करते हैं इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दो। तो अब देखोगे कि यहाँ पे हमने लिया है टी फोटोमेट्रिक फंक्शन बता चुके हैं, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बता दिया। अब आप देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस, इसमें एक्स एक फंक्शन है और कॉस एक एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो अगर हम यूज करें आइलेट का, तो इनवर्स इसमें कौन से फंक्शन, ये एक्स क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अंदर देखोगे कि इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, आई लेट एल ए टी, पहले ए आता है फिर टी, इसलिए इसको फर्स्ट माना जाएगा और इसको सेकेंड माना जाएगा, राइट। अब रूल कहता है फर्स्ट को छोड़ दो, तो फर्स्ट को आपने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किसका किया सेकेंड फंक्शन का, तो आपने लिख दिया कॉस ए, फिर माइनस में इंटीग्रेशन किसका लेना है, इंटीग्रेशन किसका है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेना है एक्स, इनटू में इंटीग्रेशन किसका लेना है सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका क्या है कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब आप देखोगे कि एक्स को आपने लिख दिया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अब जानते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है वन, तो आपने लिख दिया वन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने निकाला है क्या साइन एक्स, तो यहाँ भी आपने लिख दिया साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब आप देखोगे कि ये क्या बनेगा एक्स साइन एक्स माइनस, अब ये वन इंटू साइन एक्स क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब आप देखोगे साइन एक्स जो है का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन, यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्या आएगा माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का, ये आ जाएगा कॉस एक्स, और प्लस लगा देंगे सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आ गया राइट आंसर। एक बार दोबारा देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म, तो आप उसमें से किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान सकते हो, लेकिन हमने जो ट्रिक बताया आइलेट, अगर उसके हिसाब से मानते हैं तो आपका क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये एक्स अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड माना, तो हमने क्या किया फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, टोटल का फिर क्या करना इंटीग्रेट करना, तो x को लिख दिया आपने इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x होता है आपका 1 इनटू sin, तो ये आ जाएगा x sin x plus cos x plus c, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
इंटीग्रेशन ऑफ लॉगिक। अब आप देखोगे कि लॉगिक्स तो आपको सिंगल दिया गया और आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगिक्स क्या होता है, 1/x होता है। जल्दबाजी में बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ लॉगिक्स को 1/x लिख देते हैं, ये तो होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉगिक्स क्या है, 1/x, लेकिन लॉगिक्स किसका डेरिवेटिव है ये आपको पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से इसके साथ एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 into लॉगिक्स लिख दिया, अब क्या है ये I let के अंदर लॉगरिथम क्या होता है, फर्स्ट होता है, तो ये इसको आप मान लोगे फर्स्ट फंक्शन और ये आपका आ जाएगा क्या, सेकेंड फंक्शन। अब अगर हम रूल लगा अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 into लॉग, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है तो लॉग एक्स को आपने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन लेना है किसका, 1 dx, फिर माइनस में इंटीग्रेशन किसका है, तो ब्रैकेट के अंदर पहले डेरिवेटिव dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका log x, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है 1 dx, और ये टोटल का क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेशन। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, 1 का मतलब आप जानते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट है तो dx तो x आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, x log x, फिर माइनस। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx log x का डेरिवेटिव तो हर बच्चा जानता है 1/x होता है, और आपने सीखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अभी आपने निकाला x, तो ये आ जाएगा x dx। अब आप देखोगे x x आपका कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर आप जानते हैं अभी आपने निकाला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस c, ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे ये हमें दिया गया है x e की x, यहाँ भी देखोगे एक ये फंक्शन है कि ये फंक्शन है। अब आप देखेंगे आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। तो आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ x e x में क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लोगे तो ये आ जाएगा e का माइनस इंटीग्रेशन, फिर किसका लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ x इनटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी e का x dx, फिर टोटल को क्या करेंगे डेरिवेटिव। अब आप देखोगे ये आ जाएगा x, आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ e का x ही होता है, तो ये आ जाएगा e का x माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x आप जानते हैं 1 होता है और e की x का इंटीग्रेशन आपने e का x लिखा, अब ये क्या आ जाएगा x इंटू में e का x और ये e की x का इंटीग्रेशन e का x ही होता है प्लस c, ये राइट आंसर है। आप इसमें e का x कॉमन अगर लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि x साइन वर्स x बाई रूट अंडर 1 - x²d। अब आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा अरेंज नहीं है, पहले इसको अरेंज कर लो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इनवर्स फंक्शन है, पहले आप इसको लिख लो साइन इनवर्स x इनटू में आपका आ जाएगा x अपॉन में रूट के अंदर 1 - x²d। अब आपको क्लियर हो गया कि तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, तो ये इनवर्स फंक्शन है और आइलेट में इनवर्स को फर्स्ट आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि आप निकालोगे फर्स्ट को छोड़ना है, तो साइन इनवर्स x को आपने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिया x अपॉन में रूट अंडर 1 - x²d, फिर माइनस में इंटीग्रेशन क्या लेना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dy/dx किसका है साइन इनवर्स x का, और इनटू में इंटीग्रेशन किसका है सेकेंड का x अपॉन में रूट अंडर 1 - x²d, और ये टोटल का फिर क्या निकालना आपको इंटीग्रेशन। अब आप देखोगे कि ये जो है x अपॉन रूट अंडर 1 - x² इंटीग्रेशन है, पहले इस पार्ट को इसको हमने मान लिया फर्स्ट राइट, और ये जो हमारा है इसको मान लिया हमने i1, तो ये i1 हो जाएगा क्योंकि यही चीज यहाँ भी निकालना और इसी की वैल्यू यहाँ भी निकालनी, हमने i1 को पहले अगर सॉल्व कर ले तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x के रूट के अंदर क्या है, ये हमारा 1 - x²dx राइट। अब आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं तो पुट कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट कर ले कि रूट को क्या पुट करते हैं 1 माइनस
वन माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर दे टी, तो क्या मिलेगा डी टी अपॉन में डी एक्स, ये क्या बन जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा टू एक्स, तो इससे आप निकाल सकते हो डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन में टू। अब आप जानते हो कि ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया आपने और रूट वन माइनस स्क्वायर को टी माना है, तो ये क्या आ जाएगा रूट अंडर टी, और डी एक्स की जगह क्या लिखा आपने माइनस का डी टी अपॉन में आ जाएगा टू एक्स, एक्स एक्स आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा हाफ, और इंटीग्रेशन वन बाय रूट टी, तो रूट टी का अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट टी यानी टी की पावर क्या है माइनस हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो टी की माइनस हाफ प्लस वन, और नीचे भी आता है माइनस हाफ प्लस वन, प्लस में लगा देते हैं सी, तो ये क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा, और इंटू में ये क्या है माइनस का हाफ प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, तो हाफ आ जाएगा तो ये चला जाएगा आपका ऊपर, और ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा टी का हाफ यानी रूट टी आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस रूट के अंदर, टी का वैल्यू आप क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, क्या है माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा साइन इनवर्स। अब दूसरे पेज पे आते हैं, यानी ये आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे माइनस का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू, आप यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू में माइनस का रूट अंडर क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो इससे पहले क्या था दोबारा चेक कर लेते हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ तो आपने लिख दिया माइनस का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस है इंटीग्रेशन, तो माइनस में आप लिखोगे इंटीग्रेशन पहले है साइन वर्स एक्स, तो माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स, तो आप देखोगे कि यहाँ यहाँ पे माइनस का क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स क्या होता है वन अपॉन में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में इंटीग्रेशन था तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और ये आ जाएगा आपका डी एक्स। अब आप देखोगे इसको क्या लिख सकते हो माइनस, माइनस में लिख सकते हो रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा साइन वर्स एक्स, और ये आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो माइनस में रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका क्या आ गया राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है तो आप इसको आई वन आई टू मान के निकाल लो, फिर उसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, तो ये था आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स साइन ई डी, यहाँ भी देखोगे कि दो फंक्शन है, एक ई का एक्स फंक्शन है और दूसरा साइन एक्स है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई लेट के अंदर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है आई एल ए टी ई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानो और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मानो। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन में फर्स्ट को छोड़ना है, तो फर्स्ट को आपने छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई का एक्स डी माइनस में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई का एक्स डी, और फिर ये टोटल का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स तो ई का एक्स ही होता है, ये आ जाएगा ई का एक्स इंटू में साइन एक्स, साइन एक्स का आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है डेरिवेटिव साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा क्या कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा ई का एक्स डी एक्स, इसको भी आप देखो ये कॉस एक्स ई का एक्स आ गया, इसको भी क्या करेंगे हम फर्स्ट मान लेंगे, और ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया I1,
अब आप देखो कि यहाँ पे हम निकाल लेंगे आई वन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू में ई का एक्स डी। यहाँ भी आप देखोगे आईलेट, तो आईलेट में ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड। रूल कहता है पहले को छोड़ दो तो कॉस एक्स को छोड़ दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन आप जानते हो ई का है, फिर माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन है, इंटू में इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका ई का एक्स कॉस एक्स और प्लस में आपका आ जाएगा ई का एक्स साइन एक्स। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे पुट इन फर्स्ट, तो अगर हम इसमें पुट इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ जो आपने निकाला था क्या था e की एक साइन एक्स का था, यानी ये इंटीग्रेशन ये आई था, और तो ये क्या बन गया, मान लो ये हमारा क्या था आई, तो ये e की एक साइन एक्स तो सेम है, ये आ जाएगा आई, तो यहाँ पुट करोगे माइनस तो आई आई क्या आ जाएगा टू आई, इससे क्या होगा टू आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको e का x साइन x और माइनस में आ जाएगा आपका e का x cos x। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू आपकी हो जाएगी e का x साइन x माइनस e का x cos x अपॉन में क्या आ जाएगा टू, आप e के x को कॉमन ले लो, आपका आंसर राइट आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, यानी मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें पूछे जाते हैं, क्या ये इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ ई का एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ई का एक्स इनटू में कोई फंक्शन है और प्लस में उसी का क्या है डेरिवेटिव दिया गया, तो आपका राइट आंसर डायरेक्ट क्या होगा ई का एक्स इनटू में डैट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने जो ट्रिक सीरीज बना रखी है प्लेलिस्ट में, वहां पे भी हमने बहुत सारे ट्रिक डाल रखी है, उसमें ये ट्रिक भी हमने डाल रखी है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो, उसके ऊपर में तीन चार क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। तो e का x tan inverse x, आप जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x क्या होता है 1 by 1 plus x square, तो ये फंक्शन है और प्लस में इसी का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ करने के डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा e का x into में फंक्शन, यानी e का x into tan inverse x plus c, ये आपका राइट आंसर है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक क्या कहता है कि आप ये देखो कि e का x बार हो और मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन, अब प्लस में उसी का डेरिवेटिव दिया, तो हम क्या करेंगे e का x इनटू में डेट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया, ये वेल अरेंज नहीं है, सबसे पहले आप इसको अरेंज करो, अरेंज करने का तरीका है e की x को आपने पहले अलग कर लिया, अब देखा x स्क्वायर प्लस वन x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या ऐसा काम किया जाए ये x प्लस वन कटे, तो आप इसको ये लिख दो x स्क्वायर माइनस का वन और प्लस टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस वन प्लस टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस वन होता है जो आपको दिया गया, फायदा ये होगा कि आप इसको अलग अलग अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वन का होल स्क्वायर और ये भी आपका आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। चलो इससे देखते हैं फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यानी प्रॉफिट आपका ये होने वाला है, ये e का x है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन एक कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन और प्लस में ये क्या है टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी। अब आप मोस्टली बच्चों को पता चल गया होगा कि ये जो नंबर है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है, आप चेक कर सकते हो, चेक करके आपको दिखाते हैं। अगर आप निकालोगे d by dx of x minus 1 by x plus 1, जो बच्चे डेरिवेटिव के देखना चाहते हैं, डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके डेरिवेटिव के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारा हमने करा रखा है। जो बच्चे अभी तक ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है
जो प्ले लिस्ट में आप जाके देखोगे जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाला फटाफट जो है सारे जो है 12th के एग्जाम्स के बेसिस पे आपके वीडियोस जो है आपको मिलने लगेगी, क्लासेस लगातार मिलेगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको फटाफट इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका फायदा उठा सको। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन वाई एक्स प्लस वन है, तो ये है कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूला क्या सीखा था कि नोमिनेटर को छोड़ दो, यानी कि डिनोमिनेटर को छोड़ दो, यानी एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर इसको आपने छोड़ दिया। एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव होता है वन, तो आपने लिख दिया वन माइनस। अब क्या कहता है कि न्यूमिरेटर को छोड़ दो, न्यूमिरेटर क्या है एक्स माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर भी क्या जाएगा वन, और नीचे क्या आता है स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी यह आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आपने देखते ही समझ गए कि एक्स प्लस वन है, ये एक्स माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स एक्स कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा टू, तो ये आ जाएगा आपका टू अपॉन में एक्स प्लस वन का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू को इसमें देखो, क्या देखा आपने कि एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या है टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा e का x इंटू में फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन प्लस सी, यही आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, चलिए।